वो जैसा आपको सबको पता है कि उसके जांग में जो है वो चाकू से चोट लगी थी और उसका हमारे डॉक्टर्स ने कल सफलतापूर्ण ऑपरेशन कर दिया है। बच्चा पूरी रात स्टेबल अवस्था में रहा, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी नाड़ी और उसके सारे फंक्शंस जो दूसरे हैं वो भी काफ़ी स्थिर रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो स्थिर भी रहते हैं और उसमें कोई अगर गिरावट नहीं है तो भी हम इसको एक पॉजिटिव साइन मानते हैं। तो अभी तक हम आईसीयू से ही आ रहे हैं और बच्चा अभी बिल्कुल स्थिर हालत में है, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी सांस वगैरह ये ज़रूर हम उसको असिस्ट कर रहे हैं। उसके ब्लड प्रेशर के लिए भी उसके लिए दवाइयाँ चल रही हैं, उसके सांस के लिए वो भी वेंटिलेटर पर है, पर वो खुद की भी उसकी सांस है, वो वेंटिलेटर से भी उसको असिस्ट कर रहा है। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात आपको सबको बताना चाहता हूँ और मैं उदयपुर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कई जगह से जो है वो हेयर से बात हो रही है कि बच्चा जो है वो ब्रेन डेड हो चुका है या कुछ इस तरह की बात। तो मैं आप सबको इस चीज़ के लिए एश्योर करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे की कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और वो किसी हाल के अंदर हमारे साथ में न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह सब बैठे हैं, वो ब्रेन डेड नहीं है, बच्चे की हालत में स्थिरता है। तो इस चीज़ को लेकर के कृपया भ्रामक कोई भी जानकारी वो इस तरह से नहीं सर्कुलेट हो कि बच्चे के साथ में कुछ अनटुवर्ड हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए जयपुर से हमारे 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एक चार्टर्ड फ्लाइट से भेजी है और डॉक्टर साहेबान सारे 11 बजे हमारे सब यहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने हमारे यहाँ की डॉक्टर्स टीम के साथ में बच्चे को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखा है और उसकी सारी स्थिति की जानकारी ली है। जयपुर से आई डॉक्टर वाली टीम हमारे यहाँ के इलाज से अत्यंत संतुष्ट है और आगे इलाज के बारे में भी हमने सब चर्चा की है। तो आप इस चीज़ के बारे में आश्वस्त रहें कि उदयपुर की डॉक्टर की टीम और हमारे जयपुर से आए विशेषज्ञ सब मिलकर के देवराज की हालत को सुधारने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीम मेंबर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, टीम मेंबर्स हमारे सब यही हैं सर, बताइए। डॉक्टर दीपक जैन, न्यूरोलॉजिस्ट, प्रोफेसर SMS। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, नेफ्रोलॉजिस्ट। आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं SMS में? मैं डॉक्टर अनुला शिशोदिया, कार्डियोलॉजी सर्जन हूँ। डॉक्टर अनुला शिशोदिया, प्रोफेसर SMS मेडिकल कॉलेज, कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट। हाँ, मैंने अभी आपसे यही निवेदन किया कि बच्चे का ब्रेन स्टेम फंक्शन जो होता है वो अभी बहुत सामान्य है और वो खुद भी अपनी सांस ले रहा है, लेकिन चूंकि उसकी खुद की सांस अभी इस वक्त अपर्याप्त है इसलिए उसको वेंटिलेटर सपोर्ट भी साथ दिया जा रहा है। देखिए, यूरिन की समस्या जो है वो अभी भी है, यूरिन अभी तक उसको जितना आना चाहिए था पिछले 24 घंटे में उतना यूरिन पास नहीं हुआ है। इसको एक्यूट किडनी शटडाउन कहते हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि ये बच्चा जब आया था तो इसका ब्लड पूरा ड्रेन हो चुका था और क्योंकि इसके आर्टरियल जो है वो इंजरी थी, पूरी आर्टरी कट गई थी, तो उससे बहुत पल्सेटाइल ब्लीड होती है और बहुत ब्रिस्क ब्लीड होती है, तो बहुत मैसिव हेमरेज हुई थी। तो ऐसे समय सारे ऑर्गन्स जहाँ पे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें खून का दौरा पूरा नहीं होने के कारण वो शटडाउन हो जाते हैं। तो इसको इसमें भी इसके केस में भी यही हुआ है और इसको एक्यूट किडनी शटडाउन है, पर उसके लिए भी हम मॉनिटरिंग बराबर कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चे को डायलिसिस पे भी लेंगे। और उसी से जब नेफ्रोलॉजी से आए डॉक्टर गुप्ता साहब से भी इस चीज़ के बारे में चर्चा हुई है तो उन्होंने भी अपने कुछ सजेशंस दिए हैं जो हम उसके ट्रीटमेंट में अमल लाएंगे। देखिए, दिस इज एनीबडीज गेस, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि उसकी रिकवरी कब तक हो पाएगी क्योंकि उसके शरीर के प्रत्येक अंग पे इस हेमरेज का असर आया है। तो रिकवरी एक्सपेक्टेड है लेकिन वो स्लो होती है रिकवरी, और हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो दवाया जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब करी है। अब हम ये देख रहे हैं कि शरीर उसका वापस क्या जवाब देता है और बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। उसको करीब 12 यूनिट ब्लड अभी तक चढ़ चुका है, तो अब एक तरह से आप ये समझिए कि उसका पूरा ब्लड रिप्लेस हो गया। देखिए, ये भी अभी कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसके सारे वाइटल फंक्शंस की रिकवरी कितनी हो पाएगी, क्योंकि ये सब समय के गर्भ में होता है। जिस तरह से धीरे धीरे खून का दौरा वापस उन जगहों पे पहुंच रहा है और उनकी रिकवरी हो रही है, ये सब नेचर डिसाइड करती है। किडनी
मैडम ये मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसा ही केस है, बिल्कुल उसके लीवर के ऊपर भी इसका असर आया है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर कोई 30 से 40 मिनट तक जो है वो खून का दौरा शरीर में नहीं रहा उस बच्चे के, तो हर प्रत्येक अंग उसका प्रभावित हुआ। मैडम पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है वो इस चीज़ के लिए लगी हुई है, बचने के चांस तो मैं इस सवाल को तो ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूँ। हम हमारी कोशिश में, मैं आश्वस्त करता हूँ आप सबको कि कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और जिस तरह से राज्य सरकार भी इस चीज़ के लिए बहुत संवेदनशील है, पूरी डॉक्टर्स की टीम, जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि जयपुर से पधारे हैं और हमको असिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं।